पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर संसद से सड़क तक भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को मुरादाबाद के लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा सांसद राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि संसद में राहुल गांधी ने हिंदू समाज के प्रति जो घृणित बयान दिया है उसके विरोध स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यालय अथवा प्रमुख चौराहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मुरादाबाद जिला और महानगर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के द्वारा प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही राहुल गांधी को इस बयान के लिए समस्त देशवासियों और हिंदू समाज से माफी मांगने की मांग की गई। जो राहुल गांधी ने हिंदू विरोधी बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो हिंदू हैं वो हिंसा फैलाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी को इस अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए, उन्हें इस भारत देश और दुनिया के तमाम हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने हिंदुस्तान में रह करके हिंदू संस्कृति को समझने का प्रयास भी नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो वे समझ पाते कि हिंदुओं के परिवारों में जब पूजा होती है तो वो कहते हैं अंत में विश्व का कल्याण हो। तो इस तरह से राहुल गांधी ने जो हिंदुओं का अपमान किया है वो नहायत ही निंदनीय है और घटिया बयान दिया है। किस तरह से आपने प्रोटेस्ट किया है? क्या हमने यहाँ राहुल गांधी का पुतला फूंकने का काम किया है और उनको होश में आने के लिए चेताया और हमने यहाँ नारेबाजी की है। भारत माता की। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।